बेगूसराय डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने मंगलवार को बेगूसराय सदर प्रखंड अंतर्गत बड़ी साख तथा लोहिया नगर का दौरा कर यूक्रेन में फंसे अमन कुमार एवं मनीषा कुमारी के परिजनों से बात की तथा भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने अमन एवं मनीषा से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से बात कर वास्तु स्थिति की जानकारी ली एवं धैर्य रखने की अपील की। कि कोई और नया डेवलपमेंट हो तो हम लोगों को सूचित भी करते रहें। हम लोग भी जो स्टूडेंट फंसे हैं उनका नंबर वगैरह लिए हैं, हम लोग भी लगातार टच में रहेंगे और जो एडवाइजरी रहेगी उस समय की उसी एडवाइजरी के हिसाब से ही उनको गाइड करके और वहां से फिर निकाला जाएगा ताकि सभी बच्चे सुरक्षित हो जाएँ, यहाँ पर सुरक्षित तरीके से अपने घर पर पहुँच सकें। पूरी तरीके से सरकार के निर्देश के आलोक में हम लोग प्रयासरत हैं, बिहार सरकार भी भारत सरकार भी इसके लिए प्रयासरत है कि सभी बच्चों को सुरक्षित यहाँ पर लाया जाए। डेली फ्लाइट आ रही हैं वहाँ पे, बिहार के 10 से 15 स्टूडेंट्स हर फ्लाइट में हम लोग जो लिस्ट देख रहे हैं उसमें आ रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द बेगूसराय जिला के भी सभी 17 व्यक्ति जिसके क्षेत्र हम लोग मिली हैं सुरक्षित अपने घर तक पहुँच जाएंगे। कुछ बच्चे आए हैं सर, वापस आए हैं कि नहीं अभी प्रशासन के एफर्ट से? हाँ नहीं, एफर्ट हम लोग कर रहे हैं, अभी बेगूसराय जिला के छात्र नहीं आ पाए लेकिन बॉर्डर पर पहुँचे हैं, अब उनको एक दो दिन में यहाँ पे आना प्रारंभ हो जाएगा। सर कोई हेल्पलाइन भी जारी किया गया? हाँ बिल्कुल, हेल्पलाइन है वहाँ पे भारत सरकार की, जो चारों बॉर्डर्स हैं चारों बॉर्डर कंट्रीज़ के उनकी एम्बेसीज की भी हेल्पलाइन है और साथ में आपदा प्रबंधन विभाग का भी हेल्पलाइन जारी हुआ है और दिल्ली मुंबई में कांटेक्ट करने के लिए दिल्ली में बिहार भवन का हेल्पलाइन नंबर है और साथ ही साथ बिहार में बिहार फाउंडेशन का हेल्पलाइन नंबर है और यहाँ पर बिहार सरकार का भी आपदा प्रबंधन विभाग का हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और साथ ही साथ हमारा नंबर भी कोई भी छात्र जो भी वहाँ फंसे हुए हैं कोई व्यक्ति वो भी डायरेक्ट हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कर सकते हैं या सूचना दे सकते हैं।